तना आपके पास स्क्रिप्ट कैसा है? मुझे जब शूट स्टार्ट होने लगी थी उससे 4 दिन पहले मैं कास्ट हुई हूँ, उस वक्त शूट स्टार्ट हो चुकी थी। ओके, बाकी बहनों का स्टार्ट हो चुका, सबका हो गया था। और मुझे जियो से कॉल आया, उन्होंने कहा एक कैरेक्टर है, मन्नत मुराद ड्रामा है, छोटी बहन का। मैंने कहा ठीक है। तो वैसे मीटिंग्स जो आपकी होती हैं वो ऑफिस में होती हैं, तो मुझे बोला आप ना वैनिटी वैन में आ जाए। ओके, चाय फैसल पे गई तो कहीं उनकी शूट चल रही थी, तो खैर मैं वहाँ गई तो मैं नर्वस बहुत, क्योंकि पहली दफ़ा शूट भी चल रही है, वजाहत हुसैन, मतलब 2 साल हुए हैं मुझे, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी ये। मैं खैर तैयार होके गई, बैठी वहाँ, तो उनका सीन चल रहा था तो वो वेट मुझसे ख़त्म नहीं हो रहा था वो 10 मिनट का। मैंने कहा मैं क्या बात करूँगी, फिर अगर उन्होंने स्क्रिप्ट दे दी मुझे कि करो, मैंने कहा अब मैं, मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही हैं चल रही हैं। कुछ नहीं, वजाहत भाई आए, उन्होंने बोला ये कैरेक्टर है और ये है वो, ये कपड़े हैं, और 4 दिन बाद पेस्टल कलर्स हैं और शलवार कमीज है छोटी हो, और हमारी वॉल इस तरह की है, मतलब अगर आपकी वॉल डार्क है या हवेली की कुछ रखी है तो आप पेस्टल पहनोगी। ओके, ठीक है। सबके अलग अलग वो जा रहे डिटेल में कि छोटा प्रिंट आप पहनोगी, बड़ा प्रिंट नुदरत पहनेगी, बड़ा प्रिंट तो आप पेस्टल पहनोगी, आप डार्क कलर पे नहीं जाओगी, डार्क कलर में किसी और को दे रहा हूँ। तो सबको कलर पैलेट्स दिए गए थे। फिर मैं गई, अब मैं वहाँ से उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने कहा आप चले बस 4 दिन बाद आ जाएगा, डन। मैंने कहा एक सेकंड, मैंने कहा या तो मैं घर जाऊंगी और मुझे बोला जाएगा सॉरी वो शूट डिले हो गई है और हम अगले साल सोच रहे हैं क्या करने को, और फिर मैं देखूंगी उसको 3 महीने बाद आने कोई और में, कोई और। तो मैं आ गई, मैंने कहा नहीं 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 ये नहीं हो सकता, मैंने कहा ना मतलब उन्होंने ऑडिशन लिया ना कुछ लिया, मतलब इस तरह कैसे कास्ट कर लिया। खैर मुझे पता ही नहीं, 3 दिन बाद एडी का मेरे पास मैसेज आ गया कॉल टाइम का, और वार्डरोब मेरे पास आधा आधा नहीं। मैंने वजाज भाई को कॉल किया, मैं गल्फ भागी मार्केट और मैंने वजाज भाई को वीडियो कॉल पे ले लिया, मैं मिली नहीं उनसे अभी तक, मतलब एक दफा मैंने उनको बोला, मैंने कहा कौन सा पेस्टल छोटा प्रिंट और मैं उनको दिखा रही हूँ वो शूट कर रहे हैं, नहीं नहीं बेटा ये हाँ ठीक है ये ठीक है। मैंने फ़ोन रखा, मैंने कहा सना जल्दी से कपड़े बनाओ। अब मैंने अपना पूरा वार्डरोब तैयार कर दिया, कुछ कुर्तों के पास मेरे पास कलरफुल शलवारें नहीं थी, तो अब मैं वहाँ गई तो वजाहत भाई मुझे देख रहे हैं कि अच्छा इस पे इसने ब्लैक पहन लिया, अच्छा इस पे इसने वाइट पहन लिया, इस पे इसने बेज पहन लिया, अच्छा। तो अब उनको समझ नहीं आया, उन्होंने ना एडी को बुलाया, वो लड़की थी, कहते इधर आओ आप, वो आई, कहते जाओ सामने तारिक रोड है जाके 6 शलवारें लेकर आओ जिस रंग की उसके कपड़े और शूट चल रहा था, और कहते हैं जाओ और 1 घंटे का टाइम है सिलवा कर भी आओ। ओह माय गॉडनेस, और मैं खड़ी भी, मैंने कहा मैं अब क्या नहीं करूँ, और वो शलवारें सिलसिल के आ रही हैं, मतलब वो जाने नहीं देते कि अच्छा ठीक है नहीं नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं अगर आप भी नहीं कर पा रहे हो या आपके पास आप शूट पे हो और आपको उनको समझ आ रहा है कि आपको एक चीज़ की ज़रूरत है तो वो ऐसे कर देंगे आपकी मुश्किल एकदम हल। आप लोगों को क्या लगता है कि मुराद वाकई फंसा हुआ है बेचारा है, या वो बुजदिल है हिम्मत नहीं है उसमें, या वो वाकई ऐसी सिचुएशन में जहां हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते फॉर व्हाट ही इज डूइंग? अच्छा अगर मैं एक भाई के नज़रिए से बोलूं तो बेचारा फंसा हुआ है, और अगर मेरा खुद का शौर ऐसा होता तो मैं उसको कहती बुजदिल है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया है, कितना दो पॉइंट ऑफ व्यूज ये है। अगर मैं निगी की तरह देख रही हूँ तो वो बुजदिल नहीं है, वो बेचारा फंसा हुआ है, क्योंकि अम्मी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी इकरा। लेकिन अगर मैं उस जगह होती असल में तो मैं बुजदिल कहती उसे। ये फ़र्क है, मैंने दोनों जवाब दे दिए, अब आपको जो भी लेना है आप वो ले लें। हाँ हमने मतलब इस प्ले में ना हर कैरेक्टर जस्टिफाइड है, माँ की अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, बेटा हाथ से निकल गया, उसकी शायद सारी इमोशनल डिपेंडेंसी बेटे पे है, और इमोशनल फाइनेंशियल, और फिर माशरे में आपको एक एक घर में एक मर्द है तो ये भी एक स्टेटस है आपका, कि इस घर अगर खाली औरतें हों तो शायद किराए पर घर ना मिले, वैसे तो इनका अपना घर है, बट जनरली हाउ वेमेन आर ट्रीटेड इन द सोसाइटी और द वेमेन हैव बीन ट्रीटेड इन द सोसाइटी, ठीक है। तो उसका एक वो है प्राइड के मेरा एक बेटा है, तो मुझे कोई कुछ नहीं, हाँ वो एक स्टेटस भी है आपका, ठीक है। तो उस वो अगर बेटा हाथ से निकल गया, वो सारा वो जरा सा भी वो
माँ किस को यूं कर कि माँ माँ को देखते देखते यूं भी करेगा तो वो इनसिक्योर हो जाएगी, ठीक है, वो डर जाएगी और फिर उसके रिएक्शन में उसके वही अगेन डिफेंसिव के वो हाउ कुड यू, तो वही उसका बेटियों पे भी है. इकरा और तलहा के साथ काम करना कैसा था? तलहा के साथ तो काम मेरा अच्छा, आप लोगों का तो ज़्यादा तलहा, मेरा तलहा के साथ ज़्यादा काम था. और मतलब मैंने 2 साल मैंने काम किया है, पर वो जितने अच्छे और 5 वक्त के नमाजी, ठीक है, सेट पे और अपने सीन्स में वो 100% देते थे. सुबह अगर हम गाड़ी में होते थे तो वो सुबह से ही कुरान पढ़ना, उसके बाद अपनी स्क्रिप्ट पढ़ना, फिर सेट पे आना, फिर अपना नाश्ता करना, मतलब प्रॉपर माशाल्लाह, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह. मैंने बहुत कम ये चीज़ लोगों में देखी है. और सबके साथ घुलना मिलना, सबके साथ अटैच हो जाना, प्लस उसकी एक पर्सनैलिटी भी है कि वो यू नो ह्यूमनली पॉसिबल लगता है ना, मतलब ही इज़ रियल. बाकी अक्सर लोग वो तो हाँ यस, और अच्छी बातें करना, कोई उस तरह नहीं कि आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो या कुछ भी. और इरसा आपा के साथ भी मतलब मुझे ऐसा लग रहा था निग्गी का कैरेक्टर असली में प्ले करते करते जो हमारा वो चारपाई वाला सीन था, तो अब हम लेटे में अब उन्होंने एक्शन बोल दिया, कोई पीछे से प्रॉब्लम आए कुछ, हम इतने थके हुए थे कि हम सो गए. आपा की भी आंखें बंद, मेरी भी आंखें बंद, और मैंने पांव ऊपर रखा हुआ है, एक्शन एक्शन. फिर आंखों भी अच्छा, फिर कट हुआ कि बस अब लाइट चेंज हो रही है सोलो के लिए. 15 मिनट आप और मैं उसी तरह ब्लैंकेट के अंदर सोते रहे, और मैं कह रही हूँ आपा जरा यहाँ खुजा दें, आपा ये कर रही है. और मतलब फैमिली बन जाती है. अगर रिफ्रेशमेंट आ रही है, कुछ खाने के लिए आ रहा है, तो सबसे पहले आपा बोल निकाल के, सूप नहीं तुम खाओ पहले, और ये क्रैकर्स हाथ में ये मैं कहती थी बस मैंने खा लिए अपना. अच्छा फिर हमें कॉफ़ी केक, आपा और मुझे कॉफ़ी केक बहुत पसंद आ गया था. तो अब आपा क्या करती थी, मुझे सुबह सुबह फ़ोन करती थी जब उनको पिक करना होता था. आपा कहती थी सर वो तुम लेकर मत आना, मैं अभी नीचे उतर रही हूँ, बदर से करीब है, मैं लेती भी फिर आऊँगी. ये वो कभी भूल जाते थे तो सेट पे दो मंगवाती थी. और वो होता था कि केक कोई नहीं काटेगा, केक सना काटेगी और सब में बांटेगी. अब वो 2 केक हर दिन, लोग पूछते किसकी पड़ते आज की जो मन्नत की फैमिली आती थी कुछ सीन्स वहाँ करने, और केक देख कर कहती थी कि किसकी बर्थडे आज, हम लोग हम पागल हैं, हम रोज़ 2 केक मंगवाते हैं और खाते हैं. तो वो एक अच्छा कनेक्शन बन गया था, और इकरा से भी. और वो मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इकरा अज़ीज़ इतना बड़ा नाम आप काम कर रहे हो उनके साथ. मैंने कहा मेरा पहला सीन था, मैंने कहा ये तो बोल देंगी कि अगर लाइन भी रिपीट कर दी ये बोलेंगी कि पहले बेटा लाइन याद कर कर आओ. तो इतनी डाउन टू अर्थ, इतनी अच्छी कि मैं शॉक. अगर उनको आप बोल दो ना आप खड़े रहो तो वो खड़ी रहेंगी, वो ये नहीं बोलेंगी कि मेरी चेयर कहाँ है, ये कहाँ है, अपनी अपनी ही मगन में वो हैं. उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि यहाँ क्या चल रहा है, उनको अपने ही काम से काम उनका ये है. तो वो बहुत स्वीट अपने चीज़ों में, अपने कामों में रहने वाली, आपको वो बिल्कुल तंग नहीं करेंगी, आप भी उनको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे.